पिछले 40-50 भी ज्यादा समय तो देश विदेश में जितनी उस दृष्टियों में बतौर डीन प्रोफेसर बुकी डायरेक्टर वजो कार्यशील रहे हैं ते इन्हें 2019 में जो संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड है और बड़ा अवार्ड ग्रेजुएट ऑफ इंडिया तो इन्हें सी हुए हैं ते हमें बेनती करता है भक्ति साहब जी कि 40 मिनट ले कितने हरी लोन के साथ नजीब सिंह जी ना ये हसमन सिंह जो कि थे नवीन सिंह जी ये पाल सिंह नीम सिंह और इतने से कम कर दे आओ क्या अपना उनके पास से वही बच्ची को पाचा वही बच्ची की था गुरु प्यारी साथ संगत जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। प्रोफेसर दबीर सिंह जी ते सारे दे प्यारे और मेरे सत्कारयोग मानयोग जिन्होंने तुहाडियां पंज पीढ़ियां नूं इत्थे कीर्तन सिखाया। मैं पूछ रहा सी किन्ने स्टूडेंट तुहाडे हो गए, कहिंदे हजारां ही पिछले 22 ईयर्स तों इत्थे सिखा रहे नूं बैंकाक। और अज जो तुसीं वेख रहे हो मनजीव होरां ने कितना अच्छा गाया, हरसिमरन जी दनीब कितनी अच्छी वायरम बजा रहे हैं और सारी फुलवाड़ी ये थोड़ी पेरेंट्स की दौलत है, गुरु पातशाह की थोड़े ते बार बख्शिश है कि तुसी अपने बच्चों को अपनी आने वाली नसल को गुरु के असली शब्द नाल संजो रहे हो, सेंसिबल बना रहे हो, संवेदनशील बना रहे हो। यही है कि साड़ी कौम की जो खूबसूरती है सामू माणी के लड़ लाया और ये बसंत रात दरबार सजाने का मकसद यही है कि असी अपनी अगली आने वाली जनरेशन वह जी सुती पे जनरेशन है बच्चे जड़े साढ़े ने वह भी सुन रहे उन्होंने कन्ना भी की पै रही है अमृत बाणी अनहद बाणी तुर्की बाणी और वो सा फ्यूचर ने अगर सुन गए ये राग सुन गए बसंत हमने इन्होंने शुद्ध बसंत गाया और किसकी याद दुआ दी नहीं छोड़ो रे बाबा। तख्त श्री केसगढ़ साहब उत्ते हर साल जदों जिस दिन होला महला निकलना होंगे उस तो पहली रात अखंड कीर्तनी जत्थे वाले भी कीर्तन करते हैं और उस तो बाद साड़ी वारी होंगी है रागों वाले की उत्थे फिर रात में कीर्तन होंगे। अज होली भी गावांगे और जो उत्थे शस्त्र पए ने उन्हां दी प्रथाएं आसके पाल थोड़ो कड़क बसंत के कई प्रकार गाए जाते हैं। इन्होंने शुभ बसंत गाया जो रागमलाई कमेटी ने फाइनल किया सी। बसंत का पूर्वी प्रकार भी प्रचार में है, मारवा थाट का बसंत भी प्रचार में है, हिंडोल के हुण ते सुख नाल साढ़े तीन सरूप हो गए ने। पैसा नाल मैं हुणे विचार कर रहे सी तो ये सारी साडा सरमाया है गुरु का। अगर नहीं गावे सानू भी विसर जाएंगे, साड़ी अपनी जनरेशन भी विसर जाएंगे, तो विसर जाएंगे तो फिर याद की रहेगा, याद रहेगा कि फलाने राखी ने फलाने ट्यून पर गाया सी वो शब्द बड़ा अच्छा सा। भाई साहब वही सुनाओ कि साढ़े को देव गंधारी बसंत सारंग मल्हार ये कीर्तन चौकियाँ सारिया विसर जाएंगे। नहीं छोड़े रहे बाबा राम नाम तो याद आए मेनू साढ़े पूजनीक प्रोफेसर करतार सिंह जी सानू विछोड़ा देंगे उन्होंने कंपोजिशन इन्होंने गाई उन्होंने नाम के उत्ते सतगुरु उत्ते आप सतगुरु ने बुलाए और दरबार के आके सुशोभित हो जाएंगे। सारी उम्र उन्होंने कीर्तन किया, कीर्तन की सेवा की, उन्होंने याद में एक जयकारा और अज का ये बसंत गुरमत संगीत दरबार तुहाडी सहमति दे नाल साढ़े मान योग गुरपुर वासी प्रोफेसर करतार सिंह जी समर्पित है, समर्पित हो गया। जकारा एक बुला के सारे उसकी ताकीद करो, ताईद करो। और एक जकारा इन्हों बच्चों के और पेरेंट्स के नाम से, क्योंकि सब तो ज्यादा अगर मावं ध्यान ना देन तो बच्चे गुरमत संगीत वाल नहीं आ सकते, उन्होंने लिए एक जकारा
उसके बाद मैं गावांगा, पहले मैं अपना मैंने पता है तुम बहुत मेहनत करते हो, बड़े दूर दूर तो आके मैं देख रहा पिछले कई साल तो मंजीत होरी भी छोटे होंगे सी, हम दरबार साहब भी हाजरी भर आए ने, तुम वेखो सतगुरु ने किड्डी वड्डी इन्होंने बख्शिश की और बड़ी देर की इन्होंने इच्छा सी। पांच साल तो मैं कहते रहे कि दरबार साहब जाके कीर्तन करना सा आइडियल जी सा जगह है, सांद्री साड़ा है, अगर साढ़े बच्चे उत्थे जुड़ जाए तो साढ़े बड़े बड़े भाग हो गए। पिछले डेढ़ महीने तो मैं बीमार रहा, वो मैनू भी मैं भी कहा कि नहीं छोड़ो रे बाबा राम नाम पैसा ने हो दिता मैं संदेश जिते मेरा साथ मिले तुम मेरे नाल गाना मैं सरहद कराँगा तो तुम मेरे नाल गाना। कोई भी बसंत ता होएगी ग्रह ता के बसंत गनी जाके कीर्तन हर दुनी चीर तो रोके बड़े खुश मूड के बैठो। गुरशरण जी इतने मेरे जे जे सिंह जी भी नज़र आ रहे थे, तो कोई भी रसना जी है खाली ना रहे माझी ना रहे, तुम सारे गाते हो पैसा ने सारों को ही सिखाया है और सारे बहुत अच्छा कीर्तन करते हैं, कोई रसना ऐसी ना रहे मेरे सारे ही तुम ये शब्द सुने हुए हैं, इस करके मैं भी थोड़ा अपने आप को पापुलर किस्म का कीर्तनिया समझने लग पाया, इस करके तुम नाल गाना एक थान हूँ यह हो गया। पापुलर कीर्तन से तुम मैं एक लेटैस गल सुना रहा कि कीर्तनिए ने आदि ही मैं भी बैठा से उत्थे कहना कि संगत में हुक्म होया कि जोड़िया सिखाइया ने ना वो सिखाइया ही सुना दो, तो सिखाइया ही सुना के चले गए। हुण तुसीं अपने आप हाल देख लो कि साडा असीं किन्ने कमर्शियल हो गए और कीर्तन किधर नूं जा रहा, और तुसीं लोगों ने इस नूं संभालना, अगर तुसीं ना संभालिया तो फिर साढ़े ये राग गति मुख राग गति राग प्रकार दसम ग्रंथ के राग सतगुरु ग्रंथ के राग गायन शैलियाँ कीर्तन चौथियाँ ये साढ़िया कितने जाणगियाँ, तो असीं किवें विरवे हो जावांगे साढ़े हत्थां दे विचों साढ़ी विरासत गिर जाएगी। आओ जुड़िए कीर्तन के नाल, और इन्होंने बसंत गाया से मैं थोड़ी जी गुस्ताखी करांगा कि बसंत पूर्वी हिंदुस्तान का जो बसंत है उस तो गायन आरंभ करांगा और फिर बाकी के जो प्रकार ने विच विच इस करके मैं कौमे का प्रगटावा नहीं इस करके लैने पैदे ने कि विद्यार्थियों याद रहने कि आह कंपोजिशन इस राग में सी और आ इस राग में सी। Oh,
Brother.
Yeah.
एक दिन